दोस्तों हाल ही में हुई SEO समिट के दौरान भारत ने दुनिया भर को अपनी ताकत दिखाई है और इस मीटिंग के दौरान भारत भी दूसरे देशों को बराबर टक्कर देता दिखाई दिया और बड़े बड़े देशों के सामने भी भारत की शख्सियत काफी उभरती नजर आई। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भी बड़े बड़े देशों की तरह ही टेक्नोलॉजी और दूसरे मामलों में काफी आगे निकलता जा रहा है और इसका पूरा श्रेय PM मोदी को ही जाता है और यही वजह है कि इस मीटिंग के बाद भारत को लेकर इतना बड़ा फैसला लिया गया है जो कि भारत के लिए काफी सम्मान की बात है। ऐसे में अगर आप इस फैसले के बारे में जानेंगे तो अपने देश पर काफी गर्व महसूस करेंगे और तो और SEO के इस फैसले का रूस और चीन ने भी समर्थन किया है और इसके लिए उन्होंने भारत को बधाई भी दी है। ऐसे में क्या है वो फैसला, इसके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत की सफलता के बारे में आपकी क्या राय है। जिस तरह से भारत बड़े से बड़े देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और काफी आगे निकलता जा रहा है उस बारे में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं खबर को विस्तार से। दरअसल PM मोदी के उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शिखर सम्मेलन में शिरकत लेने के दौरान भारत के वाराणसी को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है और वो फैसला यह है कि भारत अगले साल SEO समिट की मेजबानी करने वाला है और इस कड़ी में भारत की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। बता दें कि उज्बेकिस्तान में हुए SEO समिट के दौरान PM मोदी के साथ उज्बेकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को अगले साल होने वाले SEO समिट की मेजबानी करने की बधाई दी है और वाराणसी के हिस्से में यह सफलता आने के बाद विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी वर्ष 2022-23 के दौरान वाराणसी को SEO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में समर्थन देने के लिए बाकी सभी सदस्य देशों का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे जिसमें SEO के सदस्य राज्यों से मेहमानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इस आयोजन में भारत के विद्वानों, लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों, फोटो जर्नलिस्ट, ब्लॉगर्स और अन्य अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा और इसके अलावा SEO देशों को भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए बढ़ावा भी मिलेगा। आपको बता दें कि SEO का मुख्यालय चीन की राजधानी पेइचिंग में है और SEO 8 देशों की सदस्यता वाला एक आर्थिक एवं सुरक्षा गठबंधन है जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जैसे देश शामिल है। दोस्तों ऐसे में भारत को अगले साल के लिए इतना बड़ा मौका मिलना सच में काफी सम्मान की बात है क्योंकि इतने बड़े बड़े देशों के बीच यह मौका किसी और देश को ना मिलके भारत को मिला है जबकि यह किसी और देश को भी मिल सकता था। ऐसे में यहाँ पर रूस भारत की इस कामयाबी से खुश है तो वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत की इस कामयाबी से काफी ज्यादा जल भून गए हैं। यही वजह है कि भारत को यह पहला मौका मिलने के बाद रूस ने आगे बढ़कर भारत को बधाई दी जबकि चीन और पाकिस्तान ने भारत से जरा सी भी बात नहीं की और दूरी ही बनाए रखी। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है भारत को जो इस समिट के दौरान कामयाबी मिली है उससे आगे जाके भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इससे बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों SEO समिट के शुरू होने से पहले ही ऐसा कुछ हो गया था जिसने ना सिर्फ सबको हैरत में डाल दिया बल्कि आने वाले समय में भारत की मुश्किलें भी बढ़ा दी। दोस्तों उज्बेकिस्तान में हुई SEO समिट में सबकी नजर भारत, रूस और चीन पर थी लेकिन इस आयोजन के शुरू होने से पहले ही आई कुछ तस्वीरों ने सभी लोगों को हैरान कर दिया और उन तस्वीरों में ऐसा साफ देखा गया कि समरकंद में हो रही
एसईओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस और चीन भारत से ही पहले पहुंच गए थे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर रूस और चीन भारत से पहले वहां पर क्यों पहुंच गए थे, तो हम आपको इस बारे में इसी वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि चीन और रूस के पहले पहुंचने और अकेले में एक दूसरे से मिलने से भारत की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भारत के दुश्मन चीन का भारत के दोस्त रूस के साथ होना कोई अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, ऐसे में इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रूस और चीन का करीब आना भारत के लिए आगे आने वाले समय में मुश्किल बन सकता है? क्या आगे जाकर रूस भारत को छोड़कर चीन का साथ दे सकता है? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। बता दें कि दोस्तों, पीएम मोदी के समरकंद पहुंचने से पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां पर पहुंच गए थे, और सूत्रों की माने तो इस मीटिंग के दौरान पूरी दुनिया को शी जिनपिंग और पुतिन का एक नया अंदाज देखने को मिला। लेकिन शी जिनपिंग और पुतिन का यह अंदाज आने वाले समय में भारत के लिए मुसीबत बन सकता है। आपको बता दें कि फरवरी में रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू होने से पहले ही पुतिन और शी जिनपिंग के बीच काफी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी, लेकिन रूस और चीन की यही केमिस्ट्री चीन की टेंशन बढ़ा सकती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात कहां हुई, तो आपको बता दें कि फरवरी में युद्ध शुरू होने से पहले जब पुतिन बीजिंग पहुंचे थे तो शी जिनपिंग ने उनका काफी गर्म जोशी के साथ स्वागत किया था, और यही वजह है पूरी दुनिया को ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। आपको बता दें कि यह मौका चीन यूक्रेन युद्ध से महज 3 हफ्ते पहले चीन में विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत का था, और अब एसईओ समिट के दौरान भी चीन और रूस के बीच में ऐसा ही अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिला। अब जब इस युद्ध को 7 महीने बीत चुके हैं, तो यह माना जा रहा है कि पुतिन इस बारे में शी जिनपिंग से बात कर सकते हैं, और ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में रूस और चीन के रिश्ते काफी ज्यादा गहरे हो सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और रूस के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं, और विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि पुतिन को चीन पर अब हद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन यह भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत की रूस के साथ अच्छी दोस्ती है, तो वहीं चीन के साथ भारत का गतिरोध चल रहा है। ऐसे में यह भारत के लिए ही बड़ी विचित्र स्थिति है, और ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो रूस का रुख क्या होगा? क्या रूस भारत और चीन के बीच में किसी एक का चुनाव करेगा, या फिर नेचुरल स्टैंड लेते हुए मुद्दे से दूरी बना लेगा? दोस्तों, इस वीडियो में इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, आगे जाकर रूस अपने पुराने दोस्त भारत का ही साथ देगा, या फिर चीन की बातों में आकर वह चीन के साथ दिखाई देगा? इससे बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा।